कुछ ना कुछ पनिश करने वाले। ये दिन में गाइस बिजी होती है नान्या भाई, तुम लोगों ने ऐसे ही चलना है, आप रो लोगे, मुझे रोने से भी कोई फर्क नहीं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो गाइस यार आज का हमारा दोनों का बहुत मस्ती करने का दिन है। हमने प्लान कर लिया है, हम अनन्या के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रैंक करने वाले हैं। मतलब हम सोच रहे थे पहले कि क्या प्रैंक करें, फिर सडनली मेरे को आइडिया आया, जैसे तीन बुक्स आप देख रहे हो, ये तीनों बुक्स हमारे बच्चों की है। मैं आपको इन बुक की खासियत बताता हूँ। ये बुक्स आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखी होंगी, हर बच्चे के बेड पे पड़ी होगी। ये बुक है, इसके अंदर ना ये हम डेली जैसे ना रात को सोने से पहले बच्चे वाहिगुरु लिख के सोते हैं 50 times, ठीक है ना। ऐसे ही ये शनाया की है, ये वाली शनाया की है डेली, ये भी डेली रोज रात को सोने से पहले वाहिगुरु लिख के सोते हैं। ये वो अनन्या की थी, ये शनाया की है, तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर क्या है, हमने इनको बोला था भैया जो ये वाहिगुरु कंप्लीट नहीं करेगा उसको हम लोग कुछ ना कुछ पनिश करने वाले। पनिश मतलब इन द सेंस ऑफ कि जो नहीं करेगा बाकी को गिफ्ट देने वाले हैं। ऑब्वियसली जिसको गिफ्ट नहीं मिलेगा वो रोना ही रोना है। तो यार अभी छोटा सा ये इनिशिएटिव है कि भाई बच्चे थोड़ा अच्छा काम कर ले, इसी बहाने ही हो जाए शायद ये काम। सोते सोते कुछ ना कुछ अच्छा करके सो, अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं। आप भी जरूर ट्राई करना। जो भी आप जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेना सोने से पहले 50 times, 100 times, जो दिल करे आपका। तो गाइस आज का प्रैंक ये है, अनन्या के 3 दिन का मिसिंग है। क्या बात कर रहा है, 3 दिन से उसका पेंडिंग है। और हमने आज का दिन चुन लिया कि भैया हम गिफ्ट देंगे शनाया और सियान को, वो स्कूल से आने ही वाले हैं। और वो अभी ऊपर, उनको मैसेज आ गया है, वो लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अब हम उनको अटेंड कर रहे हैं, मतलब मिलने वाले हैं और ये प्रैंक करने वाले हैं अनन्या पे। और फिर बहुत ही मजा आने वाला है आज। मैं ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। ओहो, यहां के चलो चलो चलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चे आ गए, ओ देखो मैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ये देख रहे हो ये बुक्स यहाँ पे क्यों पड़ी हैं? क्यों, ये तो हमारी वाइगुरु वाली बुक्स है। हमारी वाइगुरु वाली बुक्स है। वाइगुरु वाली बुक्स का एक कोई रीजन है यहाँ पड़े होने का? क्या रीजन है बताओ 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 बताओ, आप बताओ आप बताओ। क्या? कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है इसके अंदर? मेरा तो सब कंप्लीट है। आपका कंप्लीट है? मेरा आपका है। आपका दो तीन पेज क्यों नहीं करा? नहीं देखो, एक दिन मैं होमवर्क कर रही थी, एक दिन हम कोई पार्टी में गए थे जैसे हम बहुत लेट आए थे, और एक दिन मैं करते करते सो गई थी। हाँ तो फिर दिन में ही पूरा कर लेते ना बेटा जी, अच्छा बिजी होती है ये दिन में गाइस, बिजी होती है नान्या। देखो भैया ये सब कहानीबाजी नहीं चलेगी, हमने क्लियरली आपको बोला था कि जिसका इनकम्प्लीट होगा उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो आज हम जा रहे हैं मॉल, और आप हमारे साथ मॉल नहीं जाओगे, आप दोनों मॉल जाओगे। तो आप अगली बार जब हमारा जब ये कंप्लीट होगा साइकिल, तो अगर आपका हो रखा होगा तो आप भी जाओगे। तो अभी तुम दोनों तैयार हो जाओ फटाफट से, हम मॉल जा रहे हैं। पापा इतनी छोटी सी बात है यार, फालतू मैं वैसे कहीं जा रहा हूं, कोई मॉल नहीं जा रहा। बात छोटी नहीं है ना, बात बहुत बड़ी होती है। इट इज अबाउट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम मॉल जा रहे हैं, उसका तो मीट नहीं, तो आप, मीट आप, आप, आपने अच्छा काम किया, यू शुड गेट प्राइज और यू शुड गेट अप्रिसिएशन। आपने भी अच्छा किया, शाबाश, गुड बॉय। इट इज जस्ट अबाउट कमिटमेंट, काम करना है तो करना है। आगे से जब करोगे तो आगे से आप जाओगे, अभी नहीं। आज आप मॉल नहीं जाओगे, आज हम दोनों इन तीनों के साथ हम दोनों जाएंगे, आप घर में रहोगे और हम आपके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लेके आएंगे। नहीं पापा प्लीज, पापा प्लीज, तुम फटाफट तैयार हो पुनीत, चलो चलो। नहीं नहीं कोई ना, रुको नहीं हो सकता ना वो चीज बेटा, बात को समझो, वो नहीं हो सकता। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, जा रहे हैं पापा, नहीं पापा नहीं जा रहे हैं नाने, आपका ऐसे उससे कुछ नहीं होगा, आपको पहले सोचना चाहिए था, आपको क्लियरली मैंने बता दिया था। पापा नहीं यार, ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है, ये बड़ी बात है, इन दोनों ने की है, दे शुड गेट अप्रिसिएशन, आपने नहीं किया तो यू शुड गेट पनिश्ड।
ठीक है अभी कंप्लीट कर देती हूं। एक बार अगर तुम मान ली जाएगी ना तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं भूलेगी। एक बार अगर आप गलती कर दोगे तो आगे से आप गलती पे ध्यान रखोगे, दोबारा गलती रिपीट नहीं करोगे। वो कभी भी दोबारा भाई तुम लोगों ने ऐसे ही चलना है। चेंज करो जाके आप अभी चेंज कर लो। पापा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अनान्या, इसमें बातों का कोई फायदा नहीं है। पापा सुन लो, मैं मॉल जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, मैं तैयार हो जा रही। आप तैयार होते जो मर्जी हो, मैंने मना कर दिया। आप मॉल नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, सॉरी पापा प्लीज। नहीं नहीं मतलब नहीं, बस बात खत्म। पापा मेरी बात सुनो, आप रो तो रो भी लोगे तब भी कोई फायदा नहीं। एक मिनट बात सुनो, आप रो लो, एक मिनट बात तो सुनो। हां बोलो। देखो मैं भी अपनी वाइब्रो कंप्लीट कर देती हूँ। अब आप करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, अभी आप आज हमारे साथ नहीं जा रहे हो, बात खत्म हो गई। आप रो लोगे, मुझे रोने से भी कोई फर्क नहीं है। प्लीज पापा, कोई फायदा नहीं है नाना। यार A few moments later. पापा आपको पता है बेड पे बैठ के रो रही है बहुत जोर से। अरे ड्रामा कर रही होगी। अरे नहीं पापा सच में बहुत जोर से रो रही है। स्कूल से आके ऐसी थकी आ रही है और उसको तंग कर रहे हो। नहीं उसको रुलाना नहीं है, चलो। मैं रुलाना नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था रुलाने से पहले पहले उसको रिवील कर दे। नहीं 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 आप उसको रुलाओ नहीं, आप उसको खुश करो। सही में रो रही है। हाँ चला देख, उसके बिना नहीं हम जा सकते यार। हम तो वैसे ही मजाक कर रहे हैं, उसको परेशान नहीं करना। देखते देखते अनान्या, अनान्या दीदी, अनान्या हाय दीदी, अनान्या। अच्छा एक बात बता, तूने कितने पेजेस लिखे हैं मुझे बता। अनान्या बात तो सुने। नहीं अरे बता, तुझे कितने पेजेस लिखे हैं, कितने नहीं लिखे, चल ये बता दे। ये भी ठीक है, चल बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, फिर यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अरे बात सुन, अब नहीं सुन रही तो ठीक है मत जा मॉल। ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। अब क्या करें, इसको मनाओ तो सही। क्या करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं मोजो पिज़्ज़ा से इसका फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है, मोजो पिज़्ज़ा को कॉल करूं? अरे उसकी क्या जरूरत है, सीधा ईट क्लब से ऑर्डर कर दो ना। ईट क्लब, वहां से ऑर्डर करने का क्या फायदा होगा? अरे देखो ना, इनके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने बढ़िया डिस्काउंट्स हैं। वाओ, इनके पिज़्ज़ास और प्राइसेस देखकर मुझे भी यही खाने का मन कर रहा है। ऐसा करते हैं आज मोजो पिज़्ज़ा से ही ऑर्डर कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो सिर्फ 882 रुपीस का पड़ रहा है, अभी ऑर्डर कर देते हैं। ओके, हमारा आ गया है ईट क्लब से, दे दीजिए भैया। ओके थैंक यू। हेलो 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 अनान्या, ये देख ले। अच्छा फिर गुस्सा हो जाएगी, ये देख ले अनान्या, एक बार देख ले फिर गुस्सा कर लियो। अच्छा एक आंसर, एक बार देख तो ले। ये क्या है? अब भाई अपने आप आ जाएगी गाइस, चलो चलो हम तो जा रहे हैं, अपने आप आ जाएगी। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मुझे पहले जाने दो, मैं खाऊंगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अनान्या आती ही होगी, वो इसकी स्मेल से ही आ जाएगी गाइस, मेरे को पक्का पता है। इसकी तो खुशबू आ रही है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? क्या कर रहे हो? ये देख लो क्या कर रहे हो। ये तो मेरा फेवरेट मोजो पिज़्ज़ा है। यम्मी यम्मी, वाह इट इज यम्मी यम्मी अमेजिंग। आहा आहा पापा, ये तो बहुत टेस्टी है। अनान्या आपके लिए डेजर्ट भी है, मूज और ब्राउनी।
अब जल्दी से आप लोग भी अपना मूड बेटर करो और ईट क्लब से ऑर्डर करो। अगर आप मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, एनसीआर या हैदराबाद से हैं, तो आपको डेफिनेटली ईट क्लब चेक करना चाहिए। ये आपको हर ऑर्डर पे 30% ऑफ देता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, हमने खुद चेक किया है। और हाँ, हमारा रेफरल कोड यूज करने पे आपको पहले 3 ऑर्डर्स पे मिलेगा 200 rupees ऑफ। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई सर्च फी नहीं है और डिलीवरी आराम से 30 मिनट्स में करते हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी ऑर्डर करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस यार फाइनली पिज्जा ट्रीट हमारी खत्म हो चुकी है, तो अनान्या का मूड अब पहले से बहुत बेटर हो चुका है क्योंकि पेट भरा भरा है। तो चलो यार प्रैंक कैसा लगा प्रैंक? हाँ आप तो ड्रामा करेगी, गुस्सा करके दिखाएगी। चलो एनीवे ये मुझे बाद में बहुत तंग करने वाली है, अगर इसने बाद में मेरे साथ क्या हाल किया है आपको वो वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। वाइग्रो कंप्लीट कर लेना। ओके तो गाइस थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हिट लाइक कर लेना, माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियो देखते रहना। बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। काले और गोरे में भेदभाव न्यू सीरीज का पार्ट 1 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीत सिंह मंत्री मंत्री पे। गाइस हम वापस आ गए एक नई कहानी के साथ, देखकर बताइए कैसे लग रही है। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।